टीवी शो सीआईडी में फ्रेडिक्स का किरदार निभाने वाले दिनेश फडणीस का 4 दिसंबर की रात 12 बजे निधन हो गया है। मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण 57 साल के दिनेश फडणीस को बचाया न जा सका। उनके निधन से इस वक्त पूरी इंडस्ट्री गमगीन है। दिनेश फडणीस एक भारतीय अभिनेता और लेखक थे। उनका जन्म 2 नवंबर 1966 को बिहार में हुआ था। बिहार में पैदा हुए दिनेश ने मुंबई से स्कूलिंग की, जिसके बाद दिनेश ने साल 1997 में सीआईडी शो में फ्रेडिक्स के रोल से अपने करियर की शुरुआत की थी। आज भी उन्हें इस किरदार के लिए जाना जाता है। सीआईडी के अलावा दिनेश 5 सीरियल में भी नजर आ चुके हैं और 3 बॉलीवुड फिल्में भी कर चुके हैं। वहीं बात करें उनकी संपत्ति के बारे में तो उनके पास करीब 8 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति थी। इसके अलावा दिनेश का मुंबई शांति वन बोरीवली ईस्ट में एक घर भी है। सीआईडी में एक एपिसोड के लिए उनको 1 से 1.5 लाख रुपए मिलते थे। वही बात करें उनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में तो एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले ही दिनेश फडणीस ने नैना फडणीस से शादी कर ली थी। दिनेश फडणीस की एक बेटी भी है जिसका नाम तनु है। दिनेश की बेटी तनु की शादी हो चुकी है और उनकी भी एक बेटी है जिसका नाम ध्रुवी है। दिनेश सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते थे। हाल ही में कपल ने 20 नवंबर को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई थी, लेकिन किसने सोचा था कि वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के 15 दिन बाद ही दिनेश फडणीस घर परिवार को यूं रोता और बिलखता छोड़ जाएंगे। दिनेश फडणीस की आत्मा की शांति के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धांजलि जरूर दे दे। सीआईडी सीरियल का फ्रेडी, आप सबका ढेर सारा प्यार मुझे मिला और अब मैं नया कुछ करने जा रहा हूँ।